आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी। अगर आप समोसा कचौरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप बहुत शौकीन हैं समोसा कचौरी खस्ता के, तो आज की ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। इन सब चीज़ों को आप भूल जाने वाले हैं अगर इसको एक बार आप घर में बना लेंगे। 1 कप गेहूं के आटे से पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे अमाउंट में ये नाश्ता बन के तैयार होता है और स्वाद तो इसका लाजवाब होता है। तो चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 कप गेहूं का आटा लिया है, होल व्हीट है, एग्जैक्ट 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है और ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार होगा। ये परफेक्ट है 4 से 5 लोगों के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें तो आपके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, एग्जैक्ट 1 कप है। अब इसमें हम मिला लेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ से मस लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अजवाइन से बहुत अच्छा डाइजेशन के लिए भी हो जाएगा और बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है, एक स्मेल बहुत अच्छी आ जाती है, टेस्ट बहुत ज़्यादा इसका बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने ड्राई करी पत्ता यूज़ किया है, ये मैंने मेरा घर का बना हुआ है। करी पत्ते को आप नॉर्मल पूरे तरीके से सुखा लीजिए, उसके बाद उसको क्रश करके रख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने नमक थोड़ा सा कम डाला है, तो आप आपकी श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं। फिलहाल थोड़ा कम ही डालें क्योंकि आगे की रेसिपी में भी बहुत जगह नमक यूज़ होने वाला है, तो बहुत कम यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब, जो रेगुलर खाना खाने वाली चम्मच होती है ना घर में, बस उसी चम्मच से 1 चम्मच यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो बस पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और जैसे ही मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको आटा लगाएंगे। अब रुकिए, सिंपल आटा नहीं लगाना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा वरना आपको एक भी स्टेप समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने पानी से आटा नहीं लगाया है, आज की रेसिपी में आटा लगाया है मैंने पालक, और यहाँ पे इस पालक के साथ साथ इसमें हरी मिर्च है और अदरक है। तो यहाँ पालक, हरी मिर्च और अदरक का ये पेस्ट है गाढ़ा गाढ़ा, इससे हमको आज आटा लगाना है। इसको हेल्दी भी बनाना है ना। बेसिकली अगर मैं सीधे शब्दों में आपको बताऊँ तो हम रोटी सब्जी ही बना रहे हैं, तो बहुत सारी सब्जियाँ। और देखिए नॉर्मल मैंने यहाँ होल व्हीट लिया है, पालक से आटा लगा रही हूँ, तो एक तरीके से डो तैयार हो गया। तो अब रोटी सब्जी को मैं किस तरीके से आज पूरे परिवार को खिलाने वाली हूँ, सब उंगलियाँ चाट के खाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलने वाला है कि मैंने रोटी सब्जी खिला दी। तो देखिए मैंने फटाफट से आटा लगा लिया है, नॉर्मल आटा लगाना है जैसे हम रोटी पराठे का लगाते हैं, बस वैसे ही साइड करके रख दिया। अब देखिए यहाँ मैंने उबले आलू लिए थे, आलू को उबाल के ठंडा कर लिया है, उसके बाद हल्का सा मसल लिया है। अब यहाँ पे डाली हैं बहुत सारी सब्जियाँ, तो इसमें बीन्स है, गाजर है, प्याज है और शिमला मिर्च है। ये 4 चीज़ें हैं इसमें, आप आपकी पसंद की और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर बचा हुआ नमक डाल दिया, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं, हरा धनिया डाल देंगे। हर चीज़ आप श्रद्धा अनुसार यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं हमेशा बोलती हूँ जो अवेलेबल हो वो सब डाल दीजिए, हरी सब्जियाँ जब डालने की बात आती है तब। थोड़ी सी मैंने यहाँ 1-2 चम्मच के करीब यहाँ पे फ्रोज़न वाली मटर भी यूज़ की है, उसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर ऐड करूँगी। थोड़ा सा मसाले को भी चटपटा बनाना है ना, तो बस इसलिए। तो देखिए अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और हमारी स्टफिंग भी हो गई है तैयार। अब आप सोच रहे होंगे मैं करने क्या वाली हूँ, गेहूँ का आटा मैंने लगा लिया और ये डो तैयार कर लिया, मैं आलू के पराठे बना रही हूँ क्या? नहीं, आलू के पराठे ही तो नहीं बन रहे हैं, तो वीडियो को इसीलिए मैंने कहा एंड तक देखिएगा। आज इस रेसिपी के एंड में आपको 2 तरीके से स्नैक बनाना दिखाऊंगी, आप 2 तरीके से बना सकते हैं, जो तरीका आपको पसंद आए। और मैं ये भी बताऊंगी कि दोनों में से कौन से वाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया, मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए तारीफ़ें मिली। तो देखिए मैंने सबसे पहले रोटी पराठे की तरह बेलते हैं ना, बेल लिया, और उसके बाद क्या किया था, हल्का सा मैंने यहाँ पे उस पर देसी घी लगा दिया था, वो स्टेप स्किप हो गया है एक्चुअली। तो हल्का सा देसी घी लगाना है, बहुत कुछ नहीं करना, और एक पतली सी लेयर मैंने यहाँ आलू की लगा दी है अपनी रोटी के ऊपर। तो बस देखिए अब इसको क्या करना है, रोल करना है, जैसे हम रोल बनाते हैं ना, देखिए। तो बस इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए पूरा सा अच्छे से रोल कर देंगे दबाते हुए, और इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे और इसके साइड जो है हम लॉक कर देंगे। तो ये 1 रोल हमारा बनके हो गया तैयार। तो इसी तरीके से हम बचे हुए आटे के भी रोल बना लेंगे। और ये रोटी कितनी मोटी बनानी है मैं बता दूं, घर में जैसे रोटी चपाती बनाते हैं तो बहुत पतली बनाते हैं, वैसी नहीं बनानी। जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, हल्का सा रोटी से मोटा होता है, बस उस तरीके की आप बनाइएगा। और देखिए इस तरीके का 1 रोल बन के तैयार है, इसी तरीके का बाकी का भी बना लूँगी। फटाफट से रोल बना के रख लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो देखिए मेरे ये 3 स्टेप तैयार हो गए हैं।
तीनों रोल तैयार हैं और अब करेंगे हम स्टीम। आज मैं कोई स्टीमर वगैरह में आपको स्टीम करके नहीं दिखा रही, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अब हमारे पास स्टीमर नहीं है, अब हमको इडली स्टैंड नहीं है। तो आज देखिए मैंने कढ़ाई में पानी भरा है और उसके ऊपर दूध के ऊपर रखने वाली जो छन्नी होती है ना हमारे घर में, उस छन्नी को यूज़ किया है स्टीम करने के लिए। जुगाड़ तो हम देसी लोग, भारतीय लोग करने में नंबर वन होते हैं, तो आज ऐसा ही एक देसी जुगाड़ आपको बता रही हूँ, आप भी बना सकते हैं इसी तरीके से। और देखिए जिसमें मैंने आटा गूंथा था ना, उसी मिक्सिंग बाउल को उसके ऊपर ढक दिया है, गैस का फ्लेम लो है, भाप अच्छी बन चुकी थी, 10 मिनट के लिए उसको भाप में पका लेंगे। तब तक एक स्लरी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, 1 चम्मच सूजी ली है और 2 चम्मच यहाँ पे बेसन लिया था, उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला था, सॉरी 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाला था और 1 चुटकी ही मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला था और 1 पिंच ही मैंने यहाँ पे नमक डाला है, क्योंकि नमक 2 जगह पड़ चुका है तो नमक का इस्तेमाल बहुत संभाल के करना है, इसीलिए मैंने कहा श्रद्धा अनुसार करना है। तो बस इसका पानी डाल के एक अच्छा सा गाढ़ा बैटर रेडी कर लेंगे। और रुकिए, अभी आप का काम खत्म नहीं हुआ, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ मैं 2 तरीके से कैसे बनाऊंगी। देखिए 10 मिनट बाद मैंने इसको हटाया है, टूथपिक बिल्कुल साफ निकल रही है, बहुत अच्छे से ये स्टीम हो चुका है। अब इसको साइड करके रख लेंगे और कम्प्लीटली इसको ठंडा करेंगे। ये ठंडा हो जाने के बाद बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और तब हम अपना आगे का काम खत्म करेंगे। और इसको मैं 2 तरीके से आज स्नैक बना के दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका का फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आया, क्रंच बहुत अच्छा आया, मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए जो पूरी तरीके से ठंडा हो गया ना, देखिए कितना टाइट हो गया है, अच्छे से ठंडा हो गया है, ये पूरी तरीके से आटा पक चुका है। और इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे, इसकी लेयरिंग इतनी अच्छी हुई है कि देखिए खुल रही है, लेकिन जब हम इसको आगे का हम प्रोसेस करेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इस तरीके से हम अपने सारे रोल कट कर लेंगे एक एक करके, और यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप बच्चों के लंच बॉक्स में, हस्बैंड के लंच बॉक्स में, और कोई गेस्ट आ जाए ना आप उसको भी बना के खिला सकते हैं। ब्रेकफास्ट स्नैक्स कभी भी आप बना के खा सकते हैं, और यकीन मानिए ये रेसिपी आप लंच में भी खा सकते हैं, है तो रोटी सब्जी ही ना, तो कभी कभी ऐसा भी करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फॉर अ चेंज भी हो जाता है, और कुछ हेल्दी भी खा रहे हैं और कुछ टेस्टी भी खा रहे हैं। देखिए सारे रोल बन के तैयार हो गए हमारे, बहुत अच्छा इसमें एक डिज़ाइन सा बन जाता है, बहुत अच्छा स्टफिंग हुई है इसमें और बहुत हेल्दी है। तो देखिए कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अब क्या करेंगे, अभी ये बैटर जो है ना अच्छा सा थिक है, तो देखिए मैं आपको 2-3 तरीके से फ्राई करके बताऊंगी कि, और बहुत अच्छा बन के तैयार होता है ये, और हल्की सी कोटिंग करेंगे और इसको कर देंगे हम डीप फ्राई। तो देखिए एक एक करके मैं इसी तरीके से डाल दूंगी। अब मैं डायरेक्ट देसी जुगाड़ करूंगी, मतलब अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी ताकि फटाफट से काम हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको पूरी जानकारी जल्दी जल्दी मैं दे सकूं। तो देखिए फटाफट करके मैं इसमें डाले दे रही हूँ, बातों ही बातों में मैंने 4 से 5 यहाँ पे डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर अपने रोल, और इनको अच्छा से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे ना, गोल्डन हो जाएंगे, इनको तब तक फ्राई करना है जब तक एक अच्छा कलर ना आ जाए इनके ऊपर और बहुत अच्छा क्रंच ना आ जाए। तो बस गैस का फ्लेम, तेल अच्छा खासा गर्म था, उसके बाद मैंने लो टू मीडियम कर दिया था। बहुत ज़्यादा हाई करेंगे ना तो ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये थोड़े से सॉफ्ट रह जाएंगे, हमें क्रंची करना है इनको। और देखिए थोड़ी देर बाद बढ़िया से कुरकुरे हो गए, इनको साइड कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी और फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि मैंने किस किस तरीके से फ्राई की है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं एक एक स्टेप फ्राई का आपको नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक अच्छी पतली कोटिंग की थी, वो वाले ये हैं सारे, देखिए जिनके ऊपर बेसन की और सूजी की एक कोटिंग है, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा क्रंच है। लेकिन जिनको मैंने कुछ अलग तरीके से फ्राई किया ना, उनका टेस्ट इन बेसन वालों से भी कई 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 गुना ज़्यादा अच्छा आया, लेकिन ये भी उतने ही स्वादिष्ट बने हैं। अब जो मैं रख रही हूँ इसमें बेसन की पतली लेयर थी, तो वो इनका क्रंच भी जो बेसन की मोटी लेयर वालों से कई गुना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रंच किसका अच्छा था अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने कहा वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए कुछ को मैंने डायरेक्ट फ्राई कर दिया था, तो ये जो डायरेक्ट फ्राई वाले आपको डार्क ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे बने थे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे बेसन की कोटिंग से ज़्यादा। तो आप इन दोनों तरीकों को ट्राई ज़रूर करिएगा, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं
और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप एक ही चीज़ से दो तरीके का स्नैक बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और देखिए कितने खस्ता बने हैं, अंदर से भी सॉफ्ट हैं। आलू की स्टफिंग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बाहर की जो आटे की लेयर होती है वो बहुत कुरकुरी क्रंची बन जाती है, जिसे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो समोसा कचौड़ी को भूलिए और ये घर में देसी खाना बनाइए, जिसको बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।